दोस्तों आज हम दूसरा हार्वेस्टिंग करने जाएंगे और देखिए कितना सारा मशरूम हुआ है बेड में। कोई भी जगह ऐसे खाली नहीं है जहाँ पे मशरूम नहीं निकला हुआ है, चारों तरफ इसका मशरूम। अभी आयुष सरकार फिर से आ गया है हार्वेस्टिंग करने के लिए। नीचे खड़ा हो। हाँ चलो, अब करेगा आयुष हार्वेस्टिंग मशरूम का। मैं मशरूम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ओटा पूरा सुद्धू बेर हो कानो की छोटो ओटा ना कुटी तो ओटा देखिए पूरा फैमिली लग गए हैं मशरूम हार्वेस्टिंग करने के लिए। दो टोकरी फूल हो गया है अभी, लगता है और एक टोकरी लाना पड़ेगा या फिर इसमें एडजस्टमेंट करेंगे मशरूम का। ये आयुष मशरूम का निरीक्षण करते हुए अब देखिए इतना मशरूम हार्वेस्टिंग हो चुका है। अब इसको रखने के लिए और जगह नहीं है, लगता है इससे बड़ा टोकरी लाना पड़ेगा एडजस्टमेंट करेंगे। इसको थोड़ा साफ सफाई करना पड़ेगा क्योंकि भूसे में किया हुआ है तो वो भी निकल जा रहा है। और थोड़ा बहुत पिनहेड है, इसमें अगर हल्का फुल्का पानी देके उसको पोलोथीन में ढक देंगे तो नेक्स्ट फिर निकल जाएगा। दोस्तों फास्ट सेकंड हार्वेस्टिंग के बाद मीन्स 14-15 दिन के बाद हमने इस मशरूम बेड को उठा के ड्रम के अंदर में रख दिया था, क्योंकि पिछली बार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे इस ड्रम के अंदर में सारे बैक्टीरिया जो पनप रहे थे वो मर गए थे और उसमें पिनहेड आ गए थे। इस वजह से हमने 3 दिन तक इसको ढक के रखा और आके हम दोबारा बेड में हमारा मशरूम स्टैंड में रख दिए हैं और देखते हैं आने वाले दिन में क्या रिजल्ट आता है। जो पुराने पिनहेड कुछ रह गए थे वो तो सड़ गए हैं पर माइसिलियम इसके अंदर में है तो उम्मीद है कि उसमें से अभी फिर नया मशरूम आएंगे। मेरे कुछ व्यूअर के कमेंट आए थे कि हमें टोटल प्रोसीजर बताइए शुरू से लेकर अंत तक, तो मैं एक वीडियो कोशिश करूंगा बना के लाऊं जैसे कि टोटल प्रोसेस आपको समझ में आए। मेरा प्रयास है फार्मर को ज़्यादा उत्पादन देने का, इसलिए एक्सपेरिमेंट चलते रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।